हाय गाइस, तो अभी मैं जस्ट उसको अथर्व को पढ़ा के आ रही हूँ और मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि उसके अभी इंग्लिश का पेपर है 2 मार्च को, और उसके आ रहे हैं कितने चैप्टर्स आ रहे हैं अथर्व? चैप्टर्स कितने आ रहे हैं आपके इंग्लिश में? 7 चैप्टर्स आ रहे थे आ रहे हैं, जो कि बहुत, सोच सकते हो आप कि कितना काम होता होगा उसमें। और इनके वर्क में भी और स्कूलों के मतलब और स्कूलों से ज़्यादा ही होता है। डायरी एंट्री, नोटिस, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को लर्न करनी होती है। वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो आर्यन का वर्क है, वो बहुत अच्छा वर्क है। और बच्चे को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। बायोग्राफी, ऑटोग्राफी अभी से ही कराना शुरू करा देते हैं स्कूल में, तो बच्चे अपने मन से ही मतलब बहुत मतलब अच्छे तरीके से, एक सिस्टम के सिस्टमेटिक तरीके से उसमें काम करवाते हैं, जो बहुत सेटिस्फेक्शन वाला होता है। तो गाइज, बस मैं ये था कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि ताकि जिनके जो भी पेरेंट हैं वो अपने बच्चे को कैसे ये इतने इतने चैप्टर्स को कैसे लर्न कराए, तो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अथर्व से मैं पूछ लेती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे इसके प्रिपेयर कराए हैं सब्जेक्ट्स। तो मिलती हूँ भी थोड़ा। गाइज, आज का बस यही था कि मैं ये चीज़, ये वीडियो आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि जैसे मेरे बेटे का पेपर है और आप लोगों के बच्चों, जिनके घर में बच्चे होंगे उनके घर में भी यही प्रेशर में होंगे कि कैसे बच्चे को प्रिपेयर कराएं। तो बहुत सिंपल है, आप चैप्टर्स को डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग करके पार्ट्स उसको लर्न कराइए। बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे बच्चे, अथर्व का सारा लर्न है। अब ये है कि मैंने भी सुना है, कुछ तो सुना है, मतलब ऑलमोस्ट इसका मैंने सुन ही लिया है, आगे कल भी थोड़ा सा सुन लूँगी। इसका आज इंग्लिश का हो गया, तो इंग्लिश के बाद हिंदी का पेपर है इसका, तो मैंने हिंदी में भी इसको खेल खेल में ही इसको वर्ड, जो क्या था, वर्ड मीनिंग, तो वो मैंने खेल खेल में ही इसको सिखा दिया है, समझ गया है ये। एक छोटा सा गेम खेला हमने और वो गेम कुछ नहीं था, मैंने इसको बोला कि चलो मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम देती हूँ, आप मुझसे पूछना और 5 मिनट का टाइम मैं आपको देती हूँ। तो जो मैंने इसको पूछा, जो ये इसने जो मुझसे पूछा वो मैंने इसको आंसर किया, उसी से ये लर्न किया और फिर मैंने इससे पूछा। तो ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, छोटे छोटे, जो आप अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। और अब मुझे भी पता है कि जो फाइनल पेपर होते हैं उसमें जो है कि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको देख के ही पेरेंट्स ये हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ तो मुझे भी पता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि मैम इतने चैप्टर्स कैसे लर्न करेंगे बच्चे। तो मैं बस यही बताना चाहूँगी कि कुछ नहीं है, आप चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए और चैप्टर्स डिवाइड करके ही आप अपने बच्चे को लर्न करने के लिए दीजिए। और ऐसा नहीं है कि पेपर है, अब एक पेपर की तैयारी कर ली तो दूसरे के लिए टाइम, दूसरे के लिए भी क्या है, अब एक सेकेंड को अथर्व का पहला पेपर है, उसके बाद सिर्फ एक दिन मिलेगा, थर्ड को इनको रेस्ट मिला हुआ है, फोर्थ को फिर से एग्जाम है। तो उसकी तैयारी भी मैंने अभी से साथ साथ ही करनी शुरू कर दी है कि ताकि आगे जाके भी इस पर ये बच्चा भी प्रेशराइज ना हो और ना हम है। तो गाइज, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था, जो मम्मा लोग कुछ ज़्यादा टेंस हो जाती हैं कि और कैसे मेरे बच्चे को प्रिपेयर कराऊं, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना प्रेशर होता है वो मदर पे ही होता है। तो और बच्चे को भी इसको मैंने कभी ये नहीं मना किया कि तू टीवी मत देख या फिर खेलने मत जाओ एज यूजुअल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है कि अगर बच्चे का मतलब फाइनल पेपर होता है ना, तो जो मदर्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं कि वो मतलब बच्चे पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं भी इस पे डालती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तू मत खेल, तू मत टीवी मत देखिए, एज यूजुअल सारा काम करता है अपना और मोबाइल भी देखता है अपना, जैसे गेम रोज खेली करता हूँ, जो जो रोज डेली होता रूटीन है, जो डेली और रूटीन पढ़ाई है। भी अच्छे से करता हूँ। हाँ, तो ये है। आज तो दिन में भी पढ़ाई करी थी, मम्मी आज ने मैंने ब्लॉग भी दिन में बनाया भी दिन था। में पढ़ाई करी थी और इसको मैंने लर्न किया था, और खेल खेल में ही मैं ज़्यादा इसके साथ वो कर लेती हूँ, अभी समझा मम्मी ने देती हूँ। मेरे को इतने मजे तरीके से समझाया ना, मजा आ गया तो बिल्कुल, गाइस ऐसा लगा बहुत गेम इजी खेल है, रहा था। मेरा बेटा मैंने ऑलरेडी बताया है 5th में है और अथर्व में यहाँ की सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आर्यन पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत मतलब एक अच्छा स्कूल है यहाँ का, जहाँ पे बच्चों पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। और उनका जो वर्क है वो मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं और इसी स्कूल में मैं भी मतलब पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ कोई नहीं अच्छा है। तो चलिए, बस यही था ये वीडियो बनाने का कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत रहिए, बच्चे को एंजॉय करवाइए और मज़े मज़े में पढ़ाइए, तो बच्चे समझ भी जाते हैं। हालांकि टेंशन मुझे भी होती है बट मैंने इसे करवा दिया था, ऑलरेडी पहले ही करा दिया था,
और गाइज रिटर्न वर्क भी होता था, तो रिटर्न वर्क मैं इसको बोलती थी दिन में करो और रात में लर्न करो, लेकिन ये बैठ जाता था रात को ही और बाद में इसने लर्न भी पूरा किया है। अब कल इसका पूरा फाइनल एक बार सुनूंगी, फिर उसके बाद हिंदी की तैयारी कराऊंगी। सो गाइज आपने देखा है मैंने नया कट कराया है। हाँ जी गाइज ये भी देख लो, अथर्व ने नया हेयर कट करा लिया है क्योंकि इसके बाल बहुत लंबे हो रहे थे, मेरे को भी पसंद नहीं आ रहे थे। यहाँ पे कट भी लगवाया है और यहाँ पे मस्त छोटे छोटे बाल करवा लिए हैं, आप ज्यादा बड़े नहीं होंगे तो अब चलिए फिर अपने आप खड़े हो जाते हैं, जेल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ तो चलिए फिर ठीक है, आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग से थोड़ी बहुत आप लोग को मतलब प्रेरणा मिलेगी और थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा कि आप कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं और प्रिपेयर करा सकते हैं। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Oh, 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 oh